और 2 तारीख को शाहीनबाग और जाके में पहुंचकर एक बड़ा बवाल भारतीय जनता पार्टी कराना चाहती है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने कल एक बयान दिया है अरविंद केजरीवाल के आतंकवादी कहे जाने वाले बयान का स्पष्टीकरण देते हुए, उस पर सफाई देते हुए, उसमें एक अलग मुद्रा लेकर आते हुए, जिसके संबंध में आपसे बात करनी है। जब भाजपा वाले अरविंद केजरीवाल जी को आतंकवादी कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के लोगों से अपील करते हैं कि दिल्ली का वो बेटा जिसने 5 साल तक बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा जैसी योजना लेकर आए, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए, दिल्ली के आम आदमी के लिए अच्छे अस्पताल बनाए, दिल्ली की माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा जैसी योजना लेके आए, फरिश्ते योजना जैसी योजना लेके आए और जवान की शहादत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि घोषित की, क्या ऐसा व्यक्ति आतंकवादी है या दिल्ली वालों का बेटा? जब ये सवाल केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों से किया तो डॉक्टर हर्षवर्धन साहब और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो पूर्वांचल विरोधी भी है, यूपी बिहार वालों के भी विरोधी है, हरियाणा वालों की भी विरोधी है और आप कह लें तो प्रवासी लोगों की विरोधी है, जहां कहीं भी प्रवासी आकर बसते हैं, रहते हैं, उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाती है। और यह कोई पहला उदाहरण नहीं है जो डॉक्टर हर्षवर्धन कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन वही काम कर रहे हैं जो उनकी पार्टी की विचारधारा है, जो उनकी पार्टी की सोच है। और यह मैं किस लिए कह रहा हूं कि उनकी पार्टी की सोच है, आप याद कीजिए इनके राज में क्या हुआ महाराष्ट्र के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के राज में यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को मारा गया, पीटा गया, भगाया गया। गुजरात में क्या हुआ भाजपा के राज में, यूपी के बिहार के पूर्वांचल के लोगों को सूरत में, अहमदाबाद में मारा गया, पीटा गया, भगाया गया, उनकी हत्या तक की गई। एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता उसके लिए नहीं बोला। पूरे देश में एक आवाज उनके पक्ष में नहीं निकली, एक भाजपा के नेता की आवाज नहीं निकली। आज जो बयान दिया है डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने, वो लिख रहे हैं, जो हरियाणा के हिसार में पैदा हुए और गाजियाबाद से अन्ना जी के आंदोलन से जुड़े, वो दिल्ली के बेटे कैसे बन गए? वारे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, जो लोग बिहार से आके दिल्ली में अपना श्रम लगा रहे हैं, अपना खून पसीना लगा रहे हैं, दिल्ली के विकास और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश से आके दिन रात मेहनत करके दिल्ली को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग हरियाणा से आके दिल्ली के अंदर दिन रात मेहनत परिश्रम करके अपना सब कुछ लगाकर दिल्ली को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो दिल्ली के बेटे नहीं है? वो दिल्ली के दुश्मन है? उनका गुनाह है कि वो अपने अपने राज्यों से आके दिल्ली में रह के काम कर रहे हैं? यह तो आपकी ऊंची मानसिकता को जाहिर करता है, यह तो आपकी प्रवासी विरोधी मानसिकता को जाहिर करता है। अरविंद केजरीवाल जो यूपी में रह के आए, हरियाणा में पैदा हुए और दिल्ली में आके लगातार दिल्ली वालों की 5 साल से एक बेटा बन के उनकी सेवा कर रहे हैं, वो दिल्ली का बेटा कहलाने के हकदार नहीं है? ये मानसिकता है आपकी? इस मानसिकता से आप काम करेंगे तो दिल्ली के अंदर जितने प्रवासी हैं, यूपी के, बिहार के, पूर्वांचल के, हरियाणा के, भाजपा की असलियत पहचान लो। यह है डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, यह है भारतीय जनता पार्टी का बयान, यह है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और सोच। हर जगह यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को मारते पीटते भगाते हैं और यहां भी
आप आके दिन रात मेहनत करो, परिश्रम करो, पसीना बहाओ, लेकिन ये आपको अपना बेटा मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आपको अपना बेटा मानने के लिए तैयार नहीं है, ये आपको अपना दुश्मन ही मानेंगे। आज मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से कहना चाहता हूं, मनोज तिवारी कौन है? उनकी पार्टी में बाकी नेता जो यूपी से बिहार से आके वर्षों से यहां रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, उनके बारे में आप खुलासा कीजिए, वो लोग कौन हैं? और अगर आप उनको दिल्ली का नहीं मानते तो उनको अपनी पार्टी से बाहर करके दिखाइए, निकाल के बाहर कीजिए इन सबको अपनी पार्टी से। लेकिन ऐसे बयान मत कीजिए, ऐसे यूपी के हरियाणा के लोगों को अपमानित मत कीजिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बेटा है, दिल्ली के बेटे होने के लिए उन्होंने जो कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए वो किया है। 5 वर्षों में बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, फ्लाईओवर, बुजुर्गों के लिए, माताओं बहनों के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए ढेरों काम किए हैं, और इसलिए वो दिल्ली के बेटे हैं। आपके इस प्रकार के बयान से दिल्ली भ्रमित होने वाली नहीं है। संजय जी, एक सवाल है आपसे कि आपने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया था कि दिल्ली में बीजेपी कुछ 2 तारीख को करने जा रही है हिंसा, ये आप किसी सबूत के आधार पे कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सबूत के आधार पे कह रहा हूँ। व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे वीडियो और मैसेज चलाए जा रहे हैं, और 2 तारीख को शाहीनबाग और इलाके में पहुंचकर एक बड़ा बवाल भारतीय जनता पार्टी कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हार के डर से बौखलाई हुई है, और इसी के कारण वो दिल्ली का चुनाव टालना चाहते हैं। और ये मेरा सीधा आरोप है कि इसके पीछे कोई और नहीं, गृह मंत्री अमित शाह शामिल है। पहले वो अपने नेताओं से भड़काऊ बयान दिलवाते हैं, और उस भड़काऊ बयान के बाद एक हिंसा फैलती है। खुलेआम एक अपराधी हाथ में बंदूक लेके लहराता हुआ गोली चलाता है, और पुलिस के लोग हाथ में हाथ बांध के खड़े रहते हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा? मैं तो कहना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस के हाथ खुद नहीं बंधे हैं, बल्कि उनके हाथ अमित शाह ने बांधे हैं। जब से गृहमंत्री अमित शाह जी हुए हैं, 24 घंटे में 9 हत्याएं दिल्ली के अंदर हुई, गैंग वॉर दिल्ली की सड़कों पर हुआ, 220 राउंड फायर एक महीने में दिल्ली की सड़कों पर चले, दिल्ली में वकीलों के ऊपर गोलियां चली, छात्रों के ऊपर लाठियां चली। दिल्ली में आज जिस प्रकार का माहौल बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये गहरी साजिश है, और 2 तारीख को एक बड़ा बवाल भारतीय जनता पार्टी देश की राजधानी दिल्ली में करना चाहती है। मैं दिल्ली वालों को आगाह करना चाहता हूं, इनसे बचिए, इनके हाथ में दिल्ली सुरक्षित नहीं है। मैं चुनाव आयोग को आगाह करना चाहता हूं, सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए 2 तारीख के बवाल को टालने के लिए। वायरल हो रहा है मैसेज, वीडियो चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे इसको फैलाया जा रहा है, 2 तारीख को शाहीनबाग जामिया पहुंचो और हिंसा के लिए प्रेरित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं ये किस आधार पर कह रहा हूं, इसका एक छोटा सा नमूना मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूं। ये है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष। चुनाव आयोग कर रहा है नहीं सर जान, बट आपका भी तो कोई व्यू होगा ना इनकी। वो मुझे लगा ना वो पूछ रहे थे अनुराग जी कि भाई देश के गद्दारों को क्या करना है, कम से कम सीरियसली तो बोलो, अगर कोई आर्ग्यू करते खुद ही हंस गए। दिल्ली के माहौल बिगड़ने पे, दिल्ली में हिंसा फैलने पर इस तरह की क्रूर हंसी और ठहाके लगाने का काम दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी लगा रहे। इनके हाथों में दिल्ली सुरक्षित है? ये लोग दिल्ली की सुरक्षा करेंगे? हंसी और ठहाके लगा रहे हैं इतनी क्रूरता के साथ? इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दिल्ली में भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, हिंसा फैलाई जा रही है इस बात को लेके? तो ये दिल्ली के लोगों को सोचना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा। ये कहा आप साबित कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है? जो आप दिखा रहे हैं वो अलग कॉन्टेस्ट है, और जो आप कह रहे हैं कि 2 तारीख को होगा, उसका क्या प्रूफ हम कैसे माने कि जो आप बातें कह रहे हैं? क्या पुलिस में शिकायत करेंगे? क्या पुलिस में शिकायत करेंगे? हमने चुनाव आयोग से मिलके दिल्ली में माहौल बिगाड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, इसकी शिकायत की। उसके दूसरे दिन क्या हुआ,
केजरीवाल को आतंकवादी कहा गया। एक मुख्यमंत्री आ रहे हरियाणा से, पता नहीं वो चंदर है कि बंदर है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन वो कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बंदर हैं, जिनके राज में 36-36 लोग हिंसा के दौरान मर जाते हैं, जिनके राज में बाबा रामलाल के प्रदर्शन में 5 लोगों की हत्या हो गई, पत्रकारों को मारा गया पीटा गया, वो आके दिल्ली पे बयान दे रहे हैं, कह रहे दिल्ली में जो व्यक्ति है वो दिल्ली को चला नहीं पा रहा है, ये खट्टर साहब का बयान है। उसके बाद 2 केंद्रीय मंत्रियों के भड़काऊ बयान आते हैं, और उस भड़काऊ बयान पे कोई खेद व्यक्त नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, सारी बीजेपी की लीडरशिप, आप एक एक नेता का बयान उठाकर देख लीजिए, सारी बीजेपी की लीडरशिप उसको जस्टिफाई करती है, कहती बिल्कुल सही कहा, क्या गलत कहा, और कल यह हिंसा की घटना होती है जिसमें वो व्यक्ति पुलिस की जिंदाबाद भी लगा रहा है, और पुलिस हाथ पे हाथ धरे खड़ी बैठी खड़ी देख रही है कि हाँ ठीक है गोली चला रहा है चलाने दो, उसके हाथ में कोई AK-56 होता तो 200 लोगों को मार के चला जाता तब क्या होता। आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो दिल्ली के हालात को देखते हुए कह रहा हूं, और जो कुछ भी मैसेजिंग फैलाई जा रही है व्हाट्सएप के जरिए उसके आधार पर कह रहा हूं, वो आपको भी दूंगा, चुनाव आयोग को भी दूंगा, और चुनाव आयोग से मैं इस बात के लिए चुनाव आयोग को आगाह करना चाहता हूं कि 2 तारीख की घटना को रोकने के लिए, क्योंकि यह सब कुछ हो रहा है हार के डर से, दिल्ली का चुनाव टालने की दृष्टि से। भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा विहीन पार्टी है दिल्ली में, एक नेता विहीन पार्टी है दिल्ली में, और इसलिए अब हार की हताशा से वो हिंसा फैलाकर दिल्ली का चुनाव टालना चाहती है, इसलिए हम चुनाव आयोग से भी मिलेंगे, आप जो कह रहे हैं उसकी शिकायत करेंगे और उसका प्रमाण और साक्ष्य देंगे। एक और सवाल ये सर, एक और सवाल ये कि नड्डा जी, जेपी नड्डा का कहना है कि जो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को ऐसा कहा गया, ऐसा नरेंद्र मोदी को लेकर भी आप लोगों की तरफ से 4.5 साल में कहा गया, जो अब नहीं कहा जा रहा, तो भाजपा के नेताओं के बयान के बारे में आप लोगों को कुछ जानने समझने की जरूरत है। साक्षी महाराज, गिरिराज सिंह, और पिछले चुनाव में हमको राम जादे और दूसरा शब्द तो मैं बोल भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे शब्द इनके केंद्रीय मंत्री बोलते हैं। भाजपा ही अपनी भाषा को डिफेंड करने लायक है क्या? एक संस्कार विहीन पार्टी जो दिन रात गाली गलौज करती है वो हमारी भाषा पे प्रश्न उठा रहे हैं। संजय जी, संजय जी एक सवाल है, इलेक्शन ऑब्जर्वर की एक टीम जो दिल्ली पुलिस के साथ शाहीन बाग पहुंची हुई है, जो स्थिति कल पैदा हुई उसका रिव्यू कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से चुनाव आयोग को ही इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और मैं आपको कह रहा हूं 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बड़ा बवाल कराने की तैयारी में है, उसके पहले चुनाव आयोग को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री तो खुद ही हिंसा फैलाने में शामिल है, तो उनसे तो आप उम्मीद कर नहीं सकते। अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ दिल्ली में चुनाव कराना चाहता है तो उसको इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए।